हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे कंपनी लॉ में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो डॉक्ट्राइन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डॉक्ट्राइन मतलब होता है थ्योरी किसी चीज की या किसी चीज का प्रिंसिपल। इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, आंतरिक प्रबंध, इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मीनिंग, केस जानेंगे और एक्सेप्शन क्या क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। द रूल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है किसका? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो डॉक्यूमेंट होते हैं, विच इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और अगर नॉर्मल पर्सन चाहे, जो कंपनी से संविदा करना चाहते हैं या व्यवहार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इसकी कॉपी भी निकलवा सकते हैं उनको, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट आउटसाइडर डीलिंग विद अ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट एवरीथिंग हैज बीन रेगुलरली डन सो फेयर एज द इंटरनल प्रोसीडिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर कंसर्न्ड। दिस इज कॉल्ड द रूल लेड डाउन इन द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रैंक्विट 1856। ये एक केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रैंक्विट 1856 का, और इसी में इसको देखा गया, और इसको इट इज आल्सो नॉन एज रूल ट्रैंक्विट। ठीक है, तो केस ये है कि रॉयल ब्रिटिश वर्सेस ट्रैंक्विट में 1856 में क्या हुआ। सबसे पहले तो ये मान लिया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी से संविदा कर रहा है, तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस व्यक्ति ने पढ़ा होगा। उसके बाद इस केस पे आते हैं हम। इस केस के फैक्ट ये हैं कि एक कंपनी होती है, और वो कंपनी में क्या होता है, उस कंपनी में क्या कहते हैं आपका, जो ये कंपनी है, इस कंपनी में जो है ट्रैंक्विट नाम का जो व्यक्ति होता है, जो ट्रैंक्विट है, ये क्या करता है, डिबेंचर करता है, ऋण ले लेता है। ठीक है, और इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो ऋण इशू कर देता है इस व्यक्ति को, 2000 पाउंड का ऋण इशू कर देता है। जब ये व्यक्ति 2000 पाउंड का ऋण उसको इशू कर देता है, जब डायरेक्टर इशू कर दे रहा है, तो अब ये मान के चला जाएगा कि भाई उस व्यक्ति ने कंपनी के जो एमओए और एओए हैं वो पढ़े हैं। जब वो इशू कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करने की पावर तो उसको दे रखी है डायरेक्टर को, पर साथ में ये भी कहा है कि जब वो ऋण पत्र अपना डिबेंचर इशू करता है, तो सिंपल मीटिंग बैठाएगा, एक साधारण सभा बैठाएगा, और समय समय पर पारित कर, अगर वो दे भी रहा है तो समय समय पर उसका नोटिस रहेगा, लेकिन हर समय नहीं कर सकता। मतलब समय समय पर होगा लेकिन हर समय नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ट्रैंक्विट जो था उसने कंपनी के ऊपर सू कर दिया, किस लिए, अपने ऋण की अदायगी के लिए, अपना ऋण वसूलने के लिए, डेबेंचर डेप्ट लिया ना उसने, अपने पैसे दिए और डेबेंचर ले लिया। तो कोर्ट के सामने जब केस आया, तो कोर्ट के सामने जब ये केस आया, तो पहले तो इन लोगों ने ये बोल दिया कि निर्देशक को ऋण पत्र जारी किया जो गया था वो उचित था, लेकिन जो प्लेंटिव इस केस में है उसको क्या पता कि भाई आपने जो सभा है, आपने मीटिंग की है या नहीं की है, शेयर होल्डर ने उसको अप्रूवल दिया नहीं दिया, तो ये आपके इंटरनल मैटर है, इसके बारे में अदर पीपल को नहीं पता। तो ये जब कोर्ट के सामने मैटर गया तो कंपनी ने कहा कि जो ट्रैंक्विट है उसको पहले से ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, पहले से ही पता था, ये इस केस में हुआ। उसके बाद एक और केस है इसका, चार्नोक कैलरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस भोलाना धार, 1912 का केस है। इस केस में क्या हुआ, कंपनी थी, कंपनी के एओए अंतर्नियम वगैरह थे, उसमें यह लिखा था कि जो कंपनी के एजेंट होंगे, मैनेजमेंट होंगे, प्रबंधक वगैरह होंगे, उनको ये राइट होगा कि वो
मतलब परमिशन रहेगी, डायरेक्टर की परमिशन रहेगी कि कंपनी के उद्देश्य के लिए, कंपनी के वेलफेयर के लिए वो ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जब उन्होंने ऋण प्राप्त किया तो जो प्लेंटिव है इस केस में, उसने क्या किया, उसने कंपनी को ऋण दे दिया और एजेंट और जो मैनेजमेंट था उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर की बिना अप्रूवल के ऋण ले लिया जो कि वो नहीं कर सकते थे। तो अब हम ये थोड़ी ना मानेंगे कि अब प्लेंटिव ने तो ये मान लिया कि जो अप्रूवल है ले लिया होगा, अप्रूवल लेने के बाद ही उसको ऋण पत्र मिले हैं, डेबेंचर मिले हैं। तो ये इंडोर का विषय होता है, इंडोर का टॉपिक होता है। इस इंडोर मैनेजमेंट जैसे कि नाम भी है तो अनदर पर्सन को नहीं पता। तो अगर इसमें एक छोटी सी चीज देखें तो यह है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसमें आउटसाइड का प्रॉफिट है, आउटसाइड के, आउटसाइडर के हित की बात हुई है। पर जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वहां पे क्या है, वहां पे कंपनी को जो है कंपनी के प्रॉफिट मात्र दे, कंपनी के हित में बात रहती है। तो इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन सबसे पहला ही एक्सेप्शन है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हिंदी में इसको कहेंगे अनियमितता की जानकारी। द डॉक्ट्राइन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केसेस वर पर्सन क्लेमिंग टू हैव बेनिफिट ऑफ द डॉक्ट्राइन, द पर्सन हु हैव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या करता है, भाई सीधी सी बात है ना, हर पर्सन बेनिफिट के लिए ही करता है, तो ये यहाँ पे इस डॉक्ट्राइन का बेनिफिट नहीं उठा सकता। कोई भी बाहरी पक्ष अगर है तो उसको नॉलेज होगी कि भाई, दूसरे शब्द में अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में तो व्यक्ति को कोई नॉलेज होगी ही नहीं, लेकिन पहले बात तो उसको नॉलेज रखनी चाहिए एओए किस लिए बनाया है, ये सब क्यों बने हैं, ताकि आप अगर कंपनी से कोई संव्यवहार संविदा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी क्या है क्या दिए। तो आप यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट सू नहीं कर सकते, वाद नहीं कर सकते। अब आपको पहले से ही पता है कि भाई आपकी गलती है ना, आपने इरेगुलरिटी रखी, आपको नॉलेज नहीं थी, आपकी गलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरीके से एक और केस बनता है, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी 1561 का केस है। इसमें क्या हुआ, जो कंपनी का डायरेक्टर था ना, डायरेक्टर को पावर दे दी गई किस चीज की, कि वो 1000 पाउंड तक का जो है ऋण जो है डेबचर जो है वो इशू कर सकता है विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर की परमिशन से, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो है 2000 पाउंड का कर दिया, 2000 पाउंड का आप नहीं कर सकते। तो इस केस में न्यायालय जो था, कोर्ट जो था, उसने ये डिसीजन दिया कि कंपनी जो है 1000 पाउंड तक के लिए लायबल है, उसके आगे लायबल नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि विदाउट कंसेंट, शेयर होल्डर की बिना कंसेंट के उसने अप्रूवल दे दिया, बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे जो है कंपनी लायबल नहीं होगी। कंपनी लायबल कहां तक होगी, सिर्फ 1000 पाउंड तक के लिए, 2000 पाउंड के लिए लायबल नहीं होगी। क्योंकि ये क्या हुआ कि निर्देशक अपने उससे बियॉन्ड से बाहर गया, तो ये इंडोर मैनेजमेंट था। तो यहाँ पे गलती इसकी है कि भाई उसको नॉलेज नहीं थी, ये चीज है। तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा है फॉर्जरी, जिसे हिंदी में कहते हैं जालसाजी वगैरह। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केसेस वर अ पर्सन परपोर्ट्स टू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विच इज नॉट विद इन द ऑर्डिनरी एडमिट हिज पावर। सीधी सी बात है, अगर जालसाजी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो अगर जालसाजी या वैसा है तो लीगल, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वॉइड है, क्योंकि जालसाजी वगैरह किसी भी वगैरह का अगर देखेंगे तो उसके लीगल राइट तो कोई रहता नहीं है, वो वॉइड रहती है। केस के थ्रू समझते हैं। इसमें केस आया रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कॉन्सुलेटेड, 1906 का ये केस है। इसमें क्या हुआ कि जो आपका प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में क्या था कि उसने ना शेयर ट्रांसफर ही किया। जब शेयर ट्रांसफर किया तो सेक्रेटरी ने क्या किया, यहाँ पे सेक्रेटरी जो सचिव है उसने क्या किया, दो डायरेक्टर के नकली साइन कर दिए, जाली साइन कर दिए उसने। तो यहाँ पे अब भाई प्लेंटिफ को तो ये बात नहीं पता, तो प्लेंटिफ ने कंपनी के ऊपर सू कर दिया। तो प्लेंटिफ का कहना यह था कि भाई जो ये साइन है ये डुप्लीकेट है, आपका इंडोर मैनेजमेंट आंतरिक मामला है, इसमें मुझे कैसे पता होगा, तो यहाँ पे कंपनी लायबल है। तो इसमें लॉर्ड लॉर्बिन ने कहा कि अ कंपनी कैन नॉट बी बाउंड
बाय फॉर्जरीज कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर एंड द सर्टिफिकेट वॉज अ नलिटी एंड द पार्ट सिंपली लॉस्ट हिज मनी एज ही वॉज नॉट अ शेयर होल्डर. यहाँ पे कंपनी ने जो उसको लग रहा था इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट ले लेगा, बट यहाँ पे कंपनी ने इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं लिया. अच्छा, इसमें एक चीज और देखी जाएगी कि अगर फॉर्जरी आपके साथ हुई है तो एक तरीके से कंपनी के साथ भी फॉर्जरी हुई है, तो कंपनी क्यों लॉस में जाए? इसमें तो किसी भी गलती नहीं, इसकी में तो आपकी गलती है और आपकी भी गलती नहीं अगर एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जालसाजी कंपनी के साथ भी हुई है और आपके साथ भी हुई है. थर्ड पॉइंट है इग्नोरेंस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल. अब सीधी सी बात है भाई, इग्नोरेंस क्या, कि आप जो अंतर्नियम है आर्टिकल्स जो वगैरह हैं इन सब से आप अनभिज्ञ हैं, तो भाई इसमें गलती आपकी है कि आप अनभिज्ञ क्यों हैं, आपको पता होना चाहिए. तो दिस डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई टू केसेस वर अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नॉट इन फैक्ट कंसल्टेड द गॉन थ्रू द आर्टिकल्स एंड इवन इफ ही वुड हैव एग्जामिन्ड दोज डॉक्यूमेंट ही वुड नॉट have revealed the irregularity. ये बात कही गई लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स वर्सेज जेके जूट मिल्स में, जो कि केस है हमारा 1957 का. इस केस में क्या हुआ, इसके फैक्ट देख लेते हैं. जी नाम का ना एक पर्सन था, वो पर्सन क्या था, कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है, और साथ के साथ क्या था, वो मैनेजमेंट और जो एजेंट वगैरह प्रबंधक वगैरह अधिकारी थे उनका भी डायरेक्टर था, ठीक है. यहां तक ये चीज क्लियर हुई, जो जी नाम का व्यक्ति वो डायरेक्टर है. अब कंपनी के एओए में लिखा है, एओ में लिखा है कि डायरेक्टर क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है, मनी को बोरो कर सकता है, ऑथोराइज उसको कर दिया गया, ठीक है, और अदर डायरेक्टर जो हैं उनको पावर डेलीगेट कर दी गई, ऐसा इसमें कहा जाता है. अब जी क्या है, जी ने क्या करा, प्लेंटिफ से जो वादी है यहाँ पे उससे ऋण ले लिया. अब इस ऋण को चुकता करने के लिए, भुगतान करने के लिए यहाँ पे इसने मना कर दिया कंपनी ने. सीधी से बात है भाई, कंपनी डिनाई करेगी, कंपनी ने डिनाई कर दिया. जब कंपनी ने डिनाई कर दिया तो कंपनी ने ये बात बोली कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अपना निर्देशक मंडल है, हमने जी को ऐसा कोई अधिकार दिया ही नहीं, हमने ऑथोराइज किया ही नहीं था जी को कि वो इस तरीके से ऋण ले सके, तो डेबेंचर वगैरह लेने का उसको कोई ऋण वो था ही नहीं, ऑथोराइज था ही नहीं. तो अब जब वो कंपनी ने बात कही कि हमने तो पावर डेलीगेट ही नहीं की, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि आपको एओए, कंपनी का एओए ठीक से पढ़ना चाहिए था और आपने अगर नहीं पढ़ा तो इसमें गलती किसकी है, आपकी है, और इसमें गलती वादी की मानी गई. फोर्थ पॉइंट है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी. इसका मतलब होता है अनियमितता का संदेह. अगर आपको संदेह है, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज पुट अपॉन इंक्वायरी इन सर्कमस्टांसिस अंडर विच ही वुड हैव डिस्कवर्ड द इरेगुलरिटी इफ ही मेड प्रॉपर इंक्वायरी. प्रॉपर अगर इंक्वायरी की है, इफ बाय ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑन रीजनेबल डाउट, उसको डाउट है, ऑन हिज बाउंड टू इंक्वायरी इन टू मैटर एंड इफ ही नेग्लेक्ट टू डू सो द डॉक्ट्राइन वुड नॉट कम टू हिज रिसोर्स. सीधी सी बात है, अगर आपने आपको जो अगर हल्की सी भी डाउट होती है किसी चीज में तो आप वो नहीं कर सकते, पर आप अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होगी. केस था इसमें राम कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रोवोड टिन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 1952 का केस था ये. दस वर अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैड बीन पुट ऑन इंक्वायरी. भाई इंक्वायरी पुट करोगे आप, इंक्वायरी करोगे कंपनी की भाई क्या है कैसे नहीं है, बट फेल टू मेक प्रॉपर इंक्वायरी ही शुड सफर फॉर द शेयर. भाई सीधी सी बात है, आप सफर करोगे क्योंकि आपको अगर हल्का सा भी डाउट है और आप फिर भी वो चीज कर रहे हो तो आप ही सफर करोगे, उसमें कंपनी लायबल नहीं होती. तो ये आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट
और एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है कि इंडोर मैनेजमेंट किसका है। इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर का फायदा है बट उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, हर बार आउटसाइडर बेनिफिट नहीं ले सकता। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी ये बोल सकती है कि इस व्यक्ति को पहले से सूचना थी, पहले से पता था। तो यहाँ पे किसका बेनिफिट है, यहाँ पे किसके फेवर में जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी के फेवर में जाता है और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर पार्टी के आउटसाइडर पार्टी की तरफ जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।